हेलो फ्रेंड, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू गाइस डूइंग वेल। गाइस, आज मैं आ चुका हूँ एक्सप्लोर करने दिवाली उत्सव सूरज कुंड मेला। दिवाली का टाइम चल रहा है तो सब जगह पे मेला वगैरह लगा हुआ है, तो इसी वजह से मैं आज आ चुका हूँ मेला एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलते हैं सूरज कुंड मेला को एक्सप्लोर करते हैं। सूरज कुंड मेले में जो मैं आया हूँ, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये देखें आप, थोड़ा विलेज वाला फील दे रहा है। ये देख सकते हो आप, सारा हार्ट शेप बना हुआ है। इस साइड भी कुछ है, ये बना हुआ सारा देख सकते हो आप, सारा एकदम बिल्कुल विलेज वाला फील दे रहा है ये। बाकी शॉप वगैरह तो है ही यहाँ पे, ये चेक करें। OMG प्लैनेट अर्थ। यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो, सारा मैप दिया हुआ है कि कौन से जगह पे क्या है, कौन से जगह पे पार्किंग है। ये देख सकते हो आप, सारा फूड स्टॉल हर एक चीज इस जगह पे बना हुआ है। तो अभी चलते हैं अंदर। ये देखें आप, यहाँ पे सारा चीज़ डेकोरेशन के लिए मिल रहा है। अगेन यहाँ पे ये देख सकते हो आप, कारपेट वगैरह का शॉप है। पूरा विलेज वाला फील दे रहा है ये। कोई अगर मुझे मिलता है, मैं इसके बारे में जानकारी लेके आपके बताऊँ, अगर कोई बताने वाला अगर हो तो, ये क्या है। फर्स्ट टाइम मैं आ रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। भाई जैसा मैंने अभी अंकल से पूछा, तो इन्होंने बताया कि ये सारा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। ये थोड़ा विंटेज, थोड़ा सा विलेज टाइप का इसका लुक दिया गया है। कोई भी प्रोग्राम फंक्शन वगैरह यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, लाइक इस तरह का मेला वगैरह अगर लगता है तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है गवर्नमेंट की तरफ से। काफ़ी अच्छा है। सूरज कुंड का ग्राउंड, आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि इंडिया के कुछ जगहों का रेप्लिका इस जगह पर बनाया गया है। देख सकते हो आप, ये हिमाचल प्रदेश का ये टेम्पल का ये देख सकते हो लुक दिया गया है, हिमाचली। नीचे टी स्टॉल वगैरह है। और ये देखें आप, एक यहाँ पे भी तो आप पुराने टाइप का है, हिमाचल प्रदेश का 1996 ये टेंपल का है रेप्लिका। गाइस यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे तो रास्ता सारा बना हुआ है, बट यहाँ से देख सकते हो आप, सारा स्लोप बना हुआ है और नीचे बिल्कुल हर टाइप का सारा शेप दिया हुआ है। थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझे और मज़ा भी आ रहा है काफ़ी। यहाँ पे देखिए टैटू शॉप भी है, टैटू भी आप यहाँ पे बनवा सकते हो। ये देखें टैटू वगैरह भी बन रहा है। यहाँ पे जड़ी बूटी आप ले सकते हो। आओ सर, जड़ी बूटी ले लो। देखें गाइस आप, मेंस के कुर्ते वगैरह भी हैं, सारा ऑप्शन सारा कलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। देखें आप, बिल्कुल एकदम हर टाइप का। और यहाँ पे आई थिंक कश्मीरी शॉप है, कश्मीरी शॉप है। इसका क्या प्राइस है? 1800। दिवाली उत्सव का समय है गाइस, तो चेक करें आप यहाँ पे दिवाली के डेकोरेशन के लिए। यहाँ पे ये सेंटेड कैंडल है क्या? जी सर। इसका प्राइस क्या है? ये पूरी रंगोली है। ओके, 3000। और इसका छोटे वाले का? वो 700 का सर, ये 600, ये 500 का है और वो 900 का है। बढ़िया लग रहा है, सारे सेंटेड मिलेंगे, सारे सेंटेड मिलेंगे गाइस। ऑल आर सोय वैक्स। ओके, गोल्डन वैक्स, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव है गाइस। यहाँ देखें, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे सिक्किम गेट दिखता है। ये देखें, आपने अगर विजिट किया होगा सिक्किम, तो आपको इस तरह का जगह जगह पे आपको इस तरह का दिख सकता है। देखें आप, यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी है, 2002 में बनाया गया था। तो सारे रेप्लिका के साथ साथ उसका जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है उसे भी यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ देखें गाइस, ट्री हाउस बना हुआ है ऊपर, चेक करें कितना प्यारा लग रहा है देखने में। ये देखो नीचे पूरा बम्बू का यूज़ करके ऊपर बनाया गया है, बीच में ब्रिज टाइप का भी शेप दिया गया है, और यहाँ वहाँ सामने से चढ़ने का है। कपड़े काफ़ी क्यूट लग रहे हैं, छोटी बच्ची के। ये कौन से जगह का है? जयपुर का है ये, जयपुर स्टाइल के गाइस, छोटे छोटे बच्चियों के।
काफ़ी बढ़िया लग रहा है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, सारे वुडन। ये किस चीज़ का बना हुआ है? ओके स्वदेशी साइड में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो चेक करें आप, यहाँ पे सारा वुडन प्रोडक्ट मुझे मिलता है, मिरर वगैरह, यहाँ पे ये झूला मिल जाएगा, यहाँ पे देखो ये कुछ कपड़े वगैरह का भी शॉप है, यहाँ पे बहुत कुछ है गाइज, ये देख सकते हो आप, सारा साल स्वेटर, सारा जयपुरी गुजराती सारे स्टाइल के आपके आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। आप ये कितना प्यारा लग रहा है, ऊपर देख सकते हो आप, और ये देखें दिवाली डेकोरेशन के लिए ब्यूटीफुल। आप देखें मुझे थोड़ा डिफरेंट लैंप का शॉप दिखा है, ये चेक करें आप कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, ये देख सकते हो आप, वाओ ब्यूटीफुल। ये देखें भैया किस जगह का है, किस जगह का है ये, टर्किश, इसी वजह से बाहर स्वदेशी लिखा हुआ है, टर्किश स्टाइल, थोड़ा सा डिफरेंट। ये देखें आप ब्यूटीफुल वन, ऑलमोस्ट 1000, मतलब 1000 से ज़्यादा यहाँ पे इस तरह के हट या शॉप आप बोल सकते हो, क्योंकि इसे शॉप के रूप में भी यूज़ किया जा रहा है। ये देखें आप मोर देन 1000 गाइज, गाइज देख सकते हो यहाँ मेरे पीछे बहुत सारा हर्ट जो है वो अभी भी खाली है। ये देखें यहाँ पे पेंटिंग वगैरह मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया वाइब्स है। दिवाली यहाँ देखिए, दिए देखें गाइज काफ़ी खूबसूरत दिए, यहाँ पे सेल्फी जोन काफ़ी अच्छा है, ये यहाँ पे आप फोटो ले सकते हो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ पे भी थोड़ा सा ये प्ले होता है, इसका नाम क्या है भैया, नगाड़ा, नगाड़ा नगाड़ा यही है, नगाड़ा नगाड़ा यही है गाइस, नगाड़ा नगाड़ा बजा। ये एक और गेट दिखता है, दैट इज कॉल्ड विष्णुपुर गेट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, इसे 1990 में बनाया गया था, देख सकते हो आप क्लोजली देखें गाइज, रेड कलर का कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। ये दूसरे साइड का एंट्री एग्जिट गेट है, ये चेक करें आप और एक यहाँ पे भी छोटा सा काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखने में, और एक एंट्री एग्जिट गेट ये है, ये भी गेट को मे भी किसी जगह का ये होगा, मे भी बाहर साइड में लिखा होगा ये। और ये देखें आप दिवाली के डेकोरेशन के लिए कितना अच्छा से सजाया गया है, सारा बैग्स वगैरह का शॉप आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखें आप इस साइड में, वाओ ब्यूटीफुल, इसका क्या प्राइस है, 1200 रुपये, हैंडमेड है जी, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, काफ़ी बढ़िया है गाइस। यहाँ देखें आप थोड़ा ऊपर से, और एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि अभी यहाँ पे सलमान अली का लाइव परफॉर्मेंस भी होने वाला है, तो मुझे तो बहुत पसंद है लाइव परफॉर्मेंस, और लकली जहाँ भी मैं जा रहा हूँ सब जगह पे मुझे लाइव परफॉर्मेंस देखने का मौका मिल जा रहा है, तो अभी चलेंगे 6:30 बजे के बाद से वो आएंगे, परफॉर्म होगा लाइव, मज़ा आएगा, इसी मंच पे परफॉर्मेंस होने वाला है गाइज, सेंटेड कैंडल गाइज, स्मेल सारी जगह पे एक बहुत ही अच्छा फील आ रहा है। तो यहाँ पे फूड स्टॉल है, देखते हैं क्या क्या फूड्स वगैरह मिल रहे हैं। ये देखें आप सारे फूड राजस्थानी, आई थिंक सारे टाइप के यहाँ पे भल्ले पापड़ी भेलपूरी सब कुछ यहाँ पे मिलेंगे, तो गांव में आप अगर हो, गांव वाला फील अगर यहाँ पे मिल रहा है तो आपको ये मकई भी मिलेगा उबला हुआ। क्या प्राइस है, 50 रुपये ईच, एवरीथिंग गाइस, पूरा गांव वाला फील आएगा इस जगह पे, देख सकते हो सारा विलेज फील है। और यहाँ ऊपर देखें आप, यहाँ से रास्ता भी गया हुआ है ऊपर, थोड़ा पत्थर वगैरह है, थोड़ा पहाड़ टाइप का थोड़ा सा फील है, तो अभी परफॉर्मेंस होने में थोड़ा सा टाइम है, तो जब तक हम थोड़ा सा मेले को एक्सप्लोर करते हैं। ये देखें सारा खाली है गाइस, यहाँ पे
सारा खाली खाली, क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया में ये बना हुआ है। मज़ा लेकिन बहुत आ रहा है, और ये 10 तारीख को ख़त्म भी हो जाएगा। मैं जब डालूंगा तब तक ये ख़त्म हो जाएगा ये मेला। यहाँ पे देखिए ये हट गाइज, कितना प्यारा लग रहा है देखने में, बिल्कुल गांव वाला फील है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, बिल्कुल गांव वाला फील है। ये देखें यहाँ बैठे हुए हैं अंकिल लोग, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ फ़ोटो वगैरह अगर खिंचवाता है आदमी तो बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे देखें ये गेट, ये भी किसी जगह का रेप्लिका ही होगा। दिवाली उत्सव चेक करें आप, ब्यूटीफुल दिवाली उत्सव। देखते हैं ऊपर जाना अलाव है या नहीं है, चेक करके एक बार देखते हैं, क्योंकि ये देख सकते हो आप ये काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है, तो ऊपर जाना आई थिंक ये ठीक नहीं होगा, मे बी वो टूट जाएगा, डैमेज हो सकता है, मेरा थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, अभी ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाऊँगा। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, लाइटिंग वगैरह देख सकते हो आप, ऊपर आई थिंक कुछ होगा भी नहीं। ये चेक करें इस जगह पर, आप थोड़ा सा पिक्चर वगैरह ले सकते हो। और ये देखें नगारा नगारा बजा, दिस इज़ कॉल्ड पगड़ी हाउस। आप यहाँ पे पगड़ी बनवा सकते हो, पगड़ी बनवा के अगर घर ले जाना है तो 400 रुपीज़, वीडियो फोटोग्राफी वगैरह आप करवाते हो 100 रुपीज़, बच्चों के लिए 50 का होगा। ये देखें आप, ये चेक करें यहाँ पे पगड़ी बनवा के आप बिल्कुल फ़ोटो वीडियो बढ़िया बनवा सकते हो, थोड़ा सा बढ़िया फील ले सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट सूरज कुंड मेला को एक्सप्लोर कर लिया है, तो अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ मिस्टर सलमान अली का लाइव परफॉर्मेंस होने वाला है। पब्लिक भी यहाँ पे बिल्कुल बेसब्री के साथ वेट कर रही है। सामूहिक प्रयास तेरी दीवानी प्रीत की लत मोहे सी लागी। मुझे यही उम्मीद थी आप लोगों से, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर अब सुनने वाले लोग तो हैं, लेकिन यहाँ पर गाने वाले लोग भी बहुत भरे हुए हैं। सभी को मेरे साथ में तेरी दीवानी गाना है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी। एक काम कर रहा हूं आप लोग गा लो, मैं जा रहा हूं ऐसे ऐसे लहरा के तू रूबरू धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी। और एक मेरा गाना था उसको बहुत प्यार दिया आप सभी ने, मैंने हिमेश रेशमी के लिए गाया था, उसके दो लाइनें गाऊंगा उसके बाद गाना तो रस्ते कमरी है, लेकिन जिसने भी सुना है वो मेरे साथ में गाएगा। आशिकी का हम पिए जा रहे हैं, आशिकी का गम हम पिए जा रहे हैं, तेरा नाम लेकर पिए जा रहे हैं।
कुछ गानों का मैशअप है, कुछ मेडली है सभी के साथ। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, और लम्हे तू कहीं मत जा, चेहरा है या चांद खिलाए, सिर्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाले ये तो बता तेरा नाम है क्या, भीगी भीगी रातों में फिर तुम आना, भीगी भीगी रातों में फिर तुम आना, ऐसी बरसातों में तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिरा क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार में, मैं लुट गया वक्त दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं अब दिल रुबा, ये जादू तेरी आंखों का ये मेरा कातिल, गाइज़। मैंने सूरजकुंड मेला को एक्सप्लोर किया दिवाली उत्सव, एंड लकली मुझे सलमान अली जी का भी परफॉर्मेंस देखने का मौका मिला। आई होप आपको भी वीडियो मज़ा आया होगा देखकर। वीडियो पसंद आता है लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।